सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। YouTube पर ऐसे कई क्रिएटर हैं दोस्तों जो अपनी वीडियो पार्ट टाइम में बनाते हैं क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी वीडियो किसी भी टाइम बना सकें दिन में। तो जल्दबाजी में दोस्तों क्या होता है कि वो अपनी वीडियो मिस्टेक कर जाते हैं जिनसे उनकी वीडियो पर काफ़ी कम व्यूज आते हैं। जैसे कि हमारी वीडियो के मेन पार्ट होते हैं थंबनेल, वीडियो टाइटल और टैक्स और डिस्क्रिप्शन में हमें क्या लिखना है ये। तो कई लोग हैं जो इन सब में गलती कर देते हैं क्योंकि उन लोगों के पास काफ़ी कम टाइम होता है और उसी टाइम में उन्हें सब कुछ करना पड़ता है, तो जल्दबाजी में कोई ना कोई मिस्टेक वो कर देते हैं और उसी मिस्टेक की वजह से दोस्तों उनकी वीडियो पर काफ़ी कम व्यूज आते हैं। क्योंकि हमारी वीडियो कैसी है ये तब पता चलता है जब उसे कोई ओपन करेगा, और जब हमारी वीडियो थंबनेल और टाइटल अच्छा नहीं होगा तो कोई उसे ओपन ही नहीं करता है। तो हमारी वीडियो के मेन पार्ट होते हैं दोस्तों थंबनेल और टाइटल, जब भाई अच्छे नहीं होंगे तो हमारी वीडियो कोई ओपन नहीं करेगा और उसको व्यूज काफ़ी कमाते हैं। तो काफ़ी लोग होते हैं जो जल्दबाजी में अपनी वीडियो को शूट तो अच्छे से कर लेते हैं लेकिन जो थंबनेल होता है और जो टाइटल होता है वो उसे ऐसा ही लगा देते हैं जल्दबाजी में। तो आप कैसे अपनी अपलोड की हुई वीडियो को एडिट कर सकते हो और उसमें कैसे चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है जब अपनी वीडियो अपलोड करने के बाद देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने इसमें क्या मिस्टेक की है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप अपनी अपलोड की हुई वीडियो में कुछ भी एड कर सकते हो जिससे आपकी वीडियो पर फिर से व्यूज आना शुरू हो जाए, चाहे वो आपका टाइटल हो या आपकी वीडियो का थंबनेल हो या टैक्स हो या कुछ भी हो, आप अपनी वीडियो को फिर से एड कर सकते हो और उसमें चेंजेस कर सकते हो जिससे आपकी वीडियो पर फिर से व्यूज आने लगे। दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाऊंगा जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके कि आपको किस तरह से करना है। आपको 2 या 3 मिनट लगेंगे और आप अपनी वीडियो में अच्छे से एड कर सकोगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में YouTube स्टूडियो नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अब वहाँ से जाकर डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर लेना। दोस्तों आपको जो एप्लीकेशन उसी आईडी से ओपन करनी है जिस आईडी से आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है। जब आप इसे ओपन करोगे तो आपकी वो सारी वीडियो यहाँ पर शो होंगी जो आपने यूट्यूब पर बनाई हैं, यूट्यूब पर डाली हैं। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि मुझे इस वीडियो में चेंज करना है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो ऑलरेडी काफ़ी सही है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक पेंसिल का निशान आ रहा है इस वीडियो पर ऊपर, आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है थंबनेल का, इस पर पेंसिल का निशान आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपका थंबनेल में कोई कमी है तो आप यहाँ पे इस पेंसिल पे क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक अलग पेज ओपन हो गया आ गया। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आएगा चेंज का, जब इस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी गैलरी यहाँ पे ओपन हो गया आ जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना नया थंबनेल बना लेना है। थंबनेल कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब वहाँ से जाकर डायरेक्ट उसे देख लेना। तो जब आप चेंज पे क्लिक करोगे तो आपको सारे फ़ोटो यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, कोई भी फ़ोटो उठा के ले, कोई भी अपना फ़ोटो ले लेना है जो आपको थंबनेल पे लगाना है, तो मैं इसे ले लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको ऊपर सेलेक्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको देखिए अगर आपकी वीडियो में आपको टाइटल में कोई कमी है तो आप टाइटल पर यहाँ पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, उसे डिलीट करके चेंज कर सकते हो, उसमें कुछ भी टाइप कर सकते हो। अगर आपके जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें कोई कमी है तो इस पेंसिल पर क्लिक करके आप अपने डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हो या फिर उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपके जो टैग होते हैं उसमें कोई आपका टैग बाकी रह गया है तो आप देखिए तो आप नीचे देखिए दोस्तों एड टैग का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करके नया टैग लगा सकते हो, या कोई टैग आपको अच्छा नहीं लग रहा तो उसे क्रॉस पर क्लिक करके उसे डिलीट कर सकते हो। और इतना करने के बाद दोस्तों आप सेव पर क्लिक कर दोगे तो आपकी वीडियो में जो भी एडिटिंग आपने की है वो सारी एडिटिंग हो जाएगी। देखिए दोस्तों मेरी वीडियो में थंबनेल मैंने चेंज किया था, वो थंबनेल चेंज होकर आ चुका है। तो दोस्तों हमारी वीडियो में सिर्फ 2 चीज़ होती हैं जो मेन होती हैं, एक थंबनेल और एक टाइटल। जब ये दोनों ख़राब होते हैं या इनमें से कोई भी एक चीज़ ख़राब होती है तो हमारी वीडियो पर काफ़ी कम व्यूज आते हैं। तो आप अपनी वीडियो में इसी तरीके से कोई भी वीडियो में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो सेम यही प्रोसेस करके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।